दरअसल पांचवी क्लास में पढ़ने वाले मासूम बलराज का पहले अपहरण किया गया। 14 साल के इस मासूम को अगवा करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तेजी तो दिखाई, लेकिन 24 घंटे में अपराधियों के पकड़े जाने पर भी मासूम की जिंदगी नहीं बच पाई। अब इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SSP की माने तो बच्चे के गले पर रस्सी कसने के निशान मिले हैं। बाकी असल कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। चौदह साल का मासूम जिसे मौत के घाट उतार दिया इन बदमाशों ने, 1 करोड़ की फिरौती मांगी इन अपराधियों ने। और इसमें लगातार गाइडेंस मिलता रहा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार इसमें लगे रहे कि कैसे भी करके हमें इस घटना को सामने लाना है। और हमने रातों रात इसमें कार्रवाई करते हुए आज दोपहर में हमें दयानंद नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में ये सामने आया और उसने कबूला कि डेड बॉडी कहाँ पर है और कैसे मारा है। तो उसकी निशानदेही पर आज डेड बॉडी शाम को बरामद हुई, आपने देखा, और उसने पूरी घटनाक्रम यही बताई है कि कल दोपहर में उस बच्चे को वहाँ से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर, आसपास के उसी गांव के रहने वाला एक जो निखिल भारती नाम का लड़का है वो उसी के साथ रहता है, उसके साथ में ही इसको उठाया गया। साथ में अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर हो गया, कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं, कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 3 जिसमें हत्या में शामिल रहे हैं और 2 का रोल जो हमें अभी दिख रहा है सिम का प्रोवाइडर है। चूँकि अभी ही घटना का खुलासा थोड़े घंटे हुए हैं, अभी विवेचना हमारी चल रही है और हम किसी को भी इसमें नहीं बख्शेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का वही रटा रटा बयान कि विवेचना चल रही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गाइडेंस मिली, यानी कि पीठ भी थपथपाई कि हमने खुलासा भी कर दिया मामले का। नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, पुलिस भले ही पीठ थपथपाए और ये कहे कि हमने तो खुलासा कर दिया घटना का, लेकिन पुलिस पर उठ रहे सवालों की संख्या कम नहीं हो जाएगी। दूसरी तरफ इस मामले में पहले इन अपराधियों के बारे में बताए नीरज, क्या ये परिवार को जानते थे, क्या ये जानकार थे, क्या ये गाँव के थे, कौन थे बदमाश, किस तरह से प्लानिंग इन लोगों ने की किडनैप करने की और उसके बाद खुलासा कैसे हुआ? देखिए, आपको बता दें राजीव कि ये जो अपराधी हैं ये नए चेहरे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है इस वैश्विक महामारी में जो युवा बेरोजगार हैं उनको कुछ नहीं सूझ रहा है और अचानक से अधिक पैसे कमाने की जो होड़ है उसमें ये अपराधी बने हैं। तो जहां प्रदेश में जिस तरह से लगातार एनकाउंटर हुए तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये नए चेहरे जो है जो अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं इनको कैसे रोक पाएंगे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और ये उसी गांव के हैं, एक लड़का उसी गांव का रहने वाला है जो बताया जा रहा है। और जिस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया ये भी एक तरह से कटघरे में खड़ा करता है सरकार को, पुलिस प्रशासन को। और ये क्या के पीठ थपथपा लेना कि हमने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया है, इससे पुलिस का रोल खत्म नहीं हो जाता है क्योंकि जिसका बच्चा मर गया वो बच्चा वापस नहीं आता। इसमें कोई निराश शक नहीं है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सवाल यही है कि पीठ थपथपाने का फायदा क्या, बच्चा किडनैप ही कैसे हुआ, ये सवाल अब भी बना हुआ है।